हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं मेजर अरकाना से। मेजर अरकाना से हमेशा की तरह हम लेंगे 5 कार्ड और उसे क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं आपके पर्सन की। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स, जिसके बारे में भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है अभी इस वक्त। 5 कार्ड, टावर। टावर से रीडिंग की शुरुआत हुई है। क्या ख़त्म करना चाह रहे हैं? यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश कर रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ इस तरह की वाइब्रेशन है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अपने कार्मिक साइकिल्स को रिलीज़ कर रहे हैं आपके पर्सन। वेरी नाइस, ये तो अच्छी बात है। 2 मोर कार्ड्स। कौन आएगा? जय हो राधे कृष्णा, जय। मैं मन में लड्डू को ही देख रही थी क्योंकि मेरे सामने ही बैठे हैं और मैं प्रे कर रही थी और दर्शन भी हो गए। वन मोर कार्ड, द स्टार। इनको ज़रूर आना रहता है, अगर भोलेनाथ आ जाएं या लड्डू आ जाएं, इनको ज़रूर आना होता है। तो ये बॉटम में ही आ गए। तो गाइज, यहाँ पर जो एनर्जी है माता शक्ति की है। वी हैव द लवर्स, वी हैव राधे कृष्ण एनर्जी, वी हैव माँ तारा। और यहाँ पर जो एनर्जी है वो कुछ इंडिकेट कर रही है। इंडिकेट ये कर रही है कि आपके लव लाइफ में, ठीक है, इस धरती पर देखिए आपने जन्म लिया है, ऑफ कोर्स किसी पर्पस के लिए लिया है, ठीक है। आपका कोई ना कोई कर्म पेंडिंग था जिसकी वजह से आप इस धरती पर आए हैं। और यहाँ पर जिन लोगों से आप मिलते हैं, बिलियंस बिलियंस लोग हैं इसमें, आप कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ हार्डली 1000-2000 लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं मैक्सिमम। उन लोगों में से भी कुछ लोग होते हैं जो आपके काफ़ी क्लोज होते हैं। आपकी फैमिली हो गई, आपके पर्सन हो गए, पर्सन की फैमिली हो गई, आपकी फैमिली से रिलेटेड जो रिलेटिव्स हैं वो हो गए। तो देखिए इनकी लाइफ में, ये मैंने क्यों बोला, इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ इनका पिछले जन्म का कुछ कर्म बंधन बंधा था, इवन अभी भी बंधा हुआ है। लेकिन ये कर्म बंधन कुछ पर्पस से बंधा था, चाहे आप दोनों के बीच में अड़ंगा पैदा करने के लिए, चाहे आप दोनों के बीच में किसी तरह का सॉल्व कराने के लिए मैटर, कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा यहाँ पर है। और आप भी इनके लाइफ में आए हैं या ये आपके लाइफ में आए हैं, ये भी डेस्टाइंड है। मतलब कुछ लोग पूछते हैं कि मैम क्या ये मेरे डेस्टाइंड पार्टनर हैं? डेस्टाइंड पार्टनर, देखिए आपकी लाइफ में अगर एक पेट भी आया है ना, तो उसके साथ आपका कुछ ना कुछ लेन देन बाकी था, ठीक है। तो आपकी डेस्टिनी में जितने लोग इन्वॉल्व हैं वो सब आएंगे। कुछ टेम्प्रोरी होंगे, कुछ परमानेंट होंगे, कुछ लोग होते हैं जो अंतिम सांस तक साथ निभाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो थोड़े टाइम पीरियड आते हैं, बहुत अच्छा दिन दिखाते हैं और फिर भाग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी लोग आते हैं। तो हर किसी का कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड है। तो आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनके पिछले जन्म के पेंडिंग कर्मा से एसोसिएटेड है, और आपके पर्सन इन पेंडिंग कर्मास को ढोते 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 परेशान हो चुके हैं। रिलीज़ की एनर्जी है, ये सही समय है जब इनको रिलीज़ करना है। ये नहीं भी करना चाहे ना, तो ऑटोमेटिकली इनका टाइम पूरा होते ही ये बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, देख के भी लग रहा है और ये है भी।
लेकिन यहाँ पर द लवर्स विद द स्टार आया है, मतलब कि लव लाइफ को लेकर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन ये जो चेंजेस हैं ये अपने साथ कुछ बुरी खबर भी लेकर आने वाले हैं। तो ये जो बुरी खबर है ये क्लैरिफाई करेंगे हम, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। साइन बता देती हूँ, वी हैव कैप्रिकॉन, वी हैव जेमिनी, वी हैव अक्वेरियस, वी हैव कैप्रिकॉन अगेन, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो वी हैव पाइसेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो सभी साइन है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स क्लैरिफाई, क्लैरिफाई करें। टावर क्यों आया है एंजल्स, पहला ही कार्ड, कैसा टावर मोमेंट? देखिए हमेशा डेथ हो या टावर हो, ज़्यादातर द फूल की एनर्जी आती है, एक नई शुरुआत, कुछ ख़त्म होगा तभी तो एक नई शुरुआत होगी। और क्या ख़त्म हो रहा है? इनका स्ट्रेस, जहाँ पर इनको स्ट्रेस मिल रहा था, जहाँ पर ये सफ़र कर रहे थे, जहाँ पर ये ट्रैप्ड थे। और इसके बाद वी हैव हाई प्रीस्टेस, जो लोग इनको मैनिपुलेट कर रहे थे या कर रही थी, ये सिचुएशंस एंड होने वाली है गाइस। कौन है ये? देखो हाई प्रीस्टेस को व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने मेजर अरकाना से क्लैरिफाई किया है, एंड हाई प्रीस्टेस को दूसरे डेक से व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने क्लैरिफाई किया। पास्ट लाइफ कार्मिक साइकल्स, पिछले जन्म का कर्मा एसोसिएटेड है, वो लोग हैं ये। क्या होने वाला है? कुछ बड़े एक्शन होने वाले, मैंने कहा ना कार्मिक साइकल्स, वी हैव गॉट कर्मा कार्ड, रीड इट, वी हैव गॉट कर्मा कार्ड। कुछ ऐसे डिसीजंस, कुछ ऐसे लोग हैं इनकी लाइफ में जो इनका ही खुद का कर्मा है, और ये जो कर्मा है ना ये अब रिलीज होने वाला है, इसलिए क्योंकि कंप्लीट होने की टाइम आ चुकी है, परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है। वी हैव गॉट 20 एंड 10, तो चीज़ें कंप्लीशन की तरफ अब बढ़नी है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें द लवर्स को, द लवर्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर डेफिनेटली एक सॉलिड कमिटमेंट की एनर्जी है, विद लॉट ऑफ लव, रोमांस एंड फायर, पैशन। तो ये सिचुएशन है, एक स्टेबिलिटी आने वाली है यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में। माँ तारा की ब्लेसिंग्स क्या हैं? टावर, कैसा टावर, कैसा डिवाइन इंटरवेंशन है ये? क्लैरिटी मिलने वाली है, सेपरेशन एंड होने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली। वी हैव डबल एसेस, मतलब कि यहाँ पर 7-11 की एनर्जी है, और यहाँ पर जो एनर्जी है वो न्यू बिगिनिंग की है। आपके पर्सन और आपके बीच में जो सेपरेशन पीरियड है वो एंड होने वाला है। यहाँ पर आपको मैसेजेस, कॉल्स रिसीव हो सकते हैं, तो होप रखिए, पॉजिटिव रहिए। थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आ सकते हैं। बरगंडी, तुम भी कुछ बोलो, क्या बोलना है तुमको? आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से जो भी हर्ट, पेन, सफरिंग ये सह रहे हैं, अब यहाँ पर ये और नहीं सहेंगे, इनका सब्र अब ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर स्टैंड लेने की एनर्जी है, एक नई शुरुआत के लिए कपल की एनर्जी आ गई। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यूनियन हो सकता है, तो ये एनर्जीज़ यहाँ निकल कर आई हैं क्लैरिफिकेशन में। जय माता रा, जय शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। इमीडिएट एक्शन क्या होगा? इमीडिएट एक्शन प्लीज गाइड करें, क्या होने वाला है इस रीडिंग को देखने के बाद मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, उनकी लव लाइफ में, उनके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन होगा? मेमोरीज ऑफ लव, आपको मिस करेंगे। देखिए ये कार्ड डेफिनेटली बता रहा है कि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन आपकी यादों में खोए हुए हैं, ठीक है। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, आपकी केयर करते हैं बहुत ज़्यादा, आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, पोजेसिव हो रहे हैं कि कहीं आपको खो ना दें, आपको खोने से डर रहे हैं।
और बताएं. वी हैव मजिशियन, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, इंतजार नहीं हो रहा अब इनसे. अब ये एक्शन लेना चाहते हैं, मूवमेंट नजर आ रहा है. बॉटम ऑफ द डेक है सॉलिट्यूड. ये जो एनर्जी है ये आपको बता रही है कि आपके पर्सन बहुत सोच समझ के आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं इमीडिएटली. ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग को देखने के बाद मैक्सिमम 60 आवर्स, मिनिमम 6 आवर्स की एनर्जी है. ठीक है, ये एनर्जी इतने टाइम पीरियड के अंदर आपके पर्सन की रहेगी. क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके सबकॉन्शियस माइंड में. ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जबकि इनकी विश है. मतलब कि इनकी विश है कि ये आपसे शादी करें, इनकी विश है कि ये आपको एक्सेप्ट करें, बट ये नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सर्टेन रीज़न, जिसकी वजह से ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ मैरिज. ये चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं. क्या मिस कर रहे हैं तो कॉल मैसेज कर सकते हैं मेरे व्यूवर्स को. प्लान कर रहे हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं डियर, अभी भी आप लोगों के कुछ ब्लॉकेजेस निकल कर आ रहे हैं. वी हैव रूट चक्रा, थर्ड आई चक्रा ब्लॉकेज, पेशेंस एंड प्लानिंग. कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से यूनियन होकर भी कंप्लीट यूनियन नहीं हो पा रहा है. सो हील योर ब्लॉकेजेस. कुछ लोग पूछते हैं कि मैम चक्रा का मेडिटेशन करने से सारे ब्लॉकेजेस हील हो जाएंगे. नहीं, मैंने हर वीडियो में बताया है कि जब तक ब्लॉकेज है तब क्या साइन मिलेंगे और ब्लॉकेज हील होने के बाद क्या साइन मिलेंगे, उसको फॉलो कीजिए. ठीक है, किस बात का वेटिंग, वेटिंग फॉर व्हाट, वेटिंग फॉर यूनियन. ये भी वेट करना वेट कर रहे हैं, इनसे भी वेट नहीं हो रहा, सब्र नहीं है इन, ये भी यूनियन चाहते हैं. तो डेफिनेटली भगवान करे आने वाले 60 डेज या अरे सॉरी 60 आवर्स, वापस ले रही हूँ भाई, 60 आवर्स, आने वाले 60 आवर्स के अंदर, 6 आवर्स के अंदर सबका यूनियन हो. क्या प्रभु, मत सुनना वो. एक्चुअली डेज बोलने की आदत है ना, आवर्स जल्दी निकलता नहीं है मुंह से. इन द नियर फ्यूचर, यस, एंजल्स ने आपको क्लैरिफाई कर दिया, इन द नियर फ्यूचर. थैंक यू. फिलहाल अभी कुछ लोगों के पर्सन का सही समय नहीं चल रहा, जैसा कि हमने देखा टावर से रीडिंग शुरू हुई है. लेकिन आपको लेट गो करना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है. आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतरीन है. इट्स अ यस कार्ड. अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, कुछ लोगों की हेल्थ खराब हो सकती है. लुक फॉर अ साइन, एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं किसी तरह की साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू. मेडिटेशन ज़रूर करें, मेडिटेशन से आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी. वी हैव गॉट सक्सेस एनर्जी एंड अगेन वी हैव गॉट येस कार्ड. ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं या आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं किसी सिचुएशन की वजह से. सो ऑलवेज़ फॉरगिव एंड रिलीज. ठीक है, किसी का भी कर्मा पेंडिंग नहीं रखना चाहिए. फॉरगिव कीजिए, रिलीज़ कीजिए. उसको आना है, वापस आए, अच्छे मन से फ्रेश स्टार्ट करें, अदरवाइज आपका कोई कर्मा पेंडिंग ना रहे. सो ये थी गाइज आज की रीडिंग. थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय.